हेलो दोस्तों, आदि बिहान मोम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सजना का फूल। सजना का फूल बनाने के लिए सबसे पहले चुनना पड़ेगा ये सब, ये जो ख़राब है वो सबको हटाना पड़ेगा। फिर ये डंडी उंडी है ये सबको हटाना पड़ेगा। देखिए इतना चुन लिए हैं, चुन के धो के धोना होगा। चुन के धो के यहाँ उबालने के लिए रख दिए हैं। उबल जाएगा तब अभी थोड़ा नमक डाल देंगे, फिर और पकाएंगे तब ध्यान से डालना होगा। जब तक बॉयल हो रहा है तब तक हम इधर का सब्जी तो बॉयल करने से इसका जो कड़वापन रहता है वाला चला जाता है, इसीलिए थोड़ा देर ही बॉयल करना ही पड़ता है। सजना फूल बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई गर्म होने से तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, साबुत जीरा थोड़ा डाल दिए, हींग डाल दिए, थोड़ा लहसुन, थोड़ा ज़्यादा डालना है आपको। बंद करो। मिर्चा थोड़ा सा, ये सब कलर आने तक छोड़ेंगे। फिर प्याज डाल दिए, प्याज को भून लेंगे थोड़ा। टमाटर चला लेंगे, थोड़ा मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर, एक चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च थोड़ा सा, आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मिक्स कर दिए, नमक स्वाद के अनुसार। देखना होगा आपको, अभी थोड़ा देरी पकने के बाद ये है चिकन मसाला, थोड़ा सा डालना है आपको। अभी जो बॉयल किए थे वो फूल सब डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, पहले भी डाल चुके हैं इसीलिए थोड़ा ध्यान दे के ही डालना होगा। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, एक बार बना के जरूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं आप। देखना होगा बीच बीच में, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिए लास्ट में, धनिया थोड़ा सा डाले और बाद में थोड़ा सा डालेंगे। सजना फूल रेडी हो गया है मेरा। गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता डाल दिए हैं ऊपर में। मेरा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए।